हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो अब टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स सो बिफोर स्टार्टिंग द आंसर आई वुड लाइक टू टेल यू दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी साइंस बुक ऑफ ग्रेड टेन एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसिस बेसिकली आपको वेरियस कॉम्पोनेंट बताने हैं ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उन सब कॉम्पोनेंट का आपको फंक्शन मैंशन करना है सो लेट्स गो टू द आंसर द कम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर तो आपको जो कॉम्पोनेट्स मैंशन uh, करने हैं सो वुड लाइक टू मैं हियर हार्ट ब्लड ब्लड एंड ब्लड वेसल्स तो हमारे जो मेन कॉम्पोनेंट हैं वो है हार्ट है ब्लड है और ब्लड वेसल है और ब्लड में भी आपके बहुत सारे आगे कॉम्पोनेंट हैं जिसमें कि आरबीसी है जिसका मतलब रेड ब्लड सेल है डब्ल्यू बी सी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स तो ब्लड वेसल्स में आपके जैसे कि जो ट्यूब्स हैं उसमें हैं आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज राइट नाउ अभी आपको क्या मैंशन करना है द फंक्शन ऑफ दिस कॉम्पोनेंट आर सबसे पहले हमने मैंशन किया था हार्ट सो द विल मेंशन अबाउट द हार्ट हेयर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन हैविंग डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इट पम्प द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो हेयर वी आर मैंशनिंग हमें हार्ट के बारे में बस थोड़ा सा लिखना है कि वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसमें बहुत चार कॉम्पोनेट है, होते हैं चैम्बर्स होते हैं वो चैम्बर क्यों होते हैं ताकि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ना हो सके तो ये मेन काम क्या करता है इट पंप द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सो अवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हेयर इज ब्लड तो एज आई मैंशन लाइक ब्लड इज ऑलरेडी हैविंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स जिसमें कि आर बी सी है डब्ल्यू बी सी है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है सो वी हैव टू मैंशन हेयर कि जो ब्लड है इट इज़ अ फ्लुइड कनेक्टिव टिश्यू इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रियट हार्मोन्स एंड गैसेज तो सबसे पहले आपको बताना है कि ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है ये फ्लुइड कनेक्टिव टिश्यू है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रियट हार्मोन्स एंड गैसेज तो इसका जो आगे कॉम्पोनेंट है दैट इज़ आर बी सी

प्लाज्मा तो प्लाज्मा क्या करता है प्लाज्मा कैरी वाटर सॉल्ट एंड इंजाइम्स और प्लेटलेट्स क्या करते हैं हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग सो जिस पर्सन में ब्लड uh, क्लॉट की सॉरी uh, प्लेटलेट्स की मात्रा कम होगी वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग बहुत मुश्किल से हो पाएगी सो सोवर नेक्स्ट नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ ब्लड वेसल्स तो ये ब्लड वेसल्स है क्या बेसिकली दीज आर ट्यूब्स और पाइप्स टू कैरी ब्लड तो ये क्या करती हैं ब्लड को कैरी करती हैं सबसे पहले हम मैंशन करेंगे आर्टरीज के बारे में आर्टरीज क्या हो दे आर थिक एंड इलास्टिक वॉल्स आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं और उनकी वॉल इलास्टिक होती हैं राइट नाओ ये थिक इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें जो है प्रेशर है बहुत तेज होता है नाउ दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो ये क्या करती हैं आर्टरीज दे ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड दे ट्रांसपोर्ट द ब्लड देट इज दे कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट ये जो ब्लड है ब्लड है उसको हार्ट से अवे लेके जाती है ये आपको कैसे मेन्याद करना है आर्टरीज में ए आता है सो so, अवे सो ऑर्टरीज टेक द blood away from the heart. All arteries except pulmonary arteries contain oxygenated blood. जैसे कि मैंने मैंशन किया arteries में क्या होता है oxygenated blood होता है तो इसलिए सारी arteries जो हैं oxygen rich blood से fill होती हैं except pulmonary artery जो कि deoxygenated blood carry करती है So this thing is very very important here.

Now they carry blood towards the heart. All vein except pulmonary vein contain deoxygenated blood. तो so, यहाँ पर उल्टा है कि जितनी भी veins होती हैं वो जो है carbon dioxide rich blood लेके आती हैं जिसको कि हम deoxygenated blood बोलते हैं लेकिन सिर्फ pulmonary vein है जो कि oxygen rich होती है So ये दोनों pulmonary artery and pulmonary vein they are exception, right? The next component that we are going to mention is कैपिलरीज कैपिलरीज क्या होती हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन ये क्या करती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जॉर्ब्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जॉर््बन ऑफ डाइजेस्टिड सॉल्युबल फूड वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज फॉर्म्ड इन द सेल एंट्रीन टू द ब्लड थ्रू थिन वॉल ऑफ कैपलरीज कैपलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन विच एम्पटी इन टू हार्ट सो दीज वर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड दे रिस्पेक्टिव फंक्शन I hope you like this video. Thank you so much for watching.